हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सांभर की रेसिपी, जिसे आज हम बनाएंगे कैश सांभर मसाला पैकेट से। आप इस मसाला पैकेट से मेरे बताए हुए तरीके से बहुत ही आसानी से और झटपट टेस्टी सांभर बना सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म इडली, डोसा, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये चटपटा और टेस्टी सांभर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। फ्रेंड, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। कैश सांभर मसाले का ये 100 ग्राम का पैकेट है, इससे आज हम टेस्टी सांभर बनाकर तैयार करेंगे। इसके पीछे ये बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है। 18 रुपीस का ये पैकेट है। चलिए फिर इसे हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों को बॉयल कर लेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के बैंगन लिया और 2 सहजन की फली को इस तरह छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। 1 मीडियम साइज का गाजर है। 100 ग्राम लौकी को इस तरह बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे और ये 100 ग्राम अरहर की दाल ऐसे भी धोकर इसमें ऐड कर देंगे और इसमें इतना पानी डाल देंगे सारी सब्जियों और दाल अच्छे से भीग जाए। इसे एक बार चलाएंगे। आप चाहे तो इसमें आधी टीस्पून हल्दी और आधी टीस्पून नमक ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। और इसी तरह से ढक्कन लगाकर कुकर का इसे 4 सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे। दूसरी तरफ सांभर बनाने का मसाला तैयार करेंगे। 4-5 टेबल स्पून तेल को गरम करेंगे। 1 टेबल स्पून राई और 2 लाल सूखी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से मेथी के दाने डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम पर फ्रेंड मैं आपको ये टेस्टी सांभर की रेसिपी दे रही हूँ। 4-5 लहसुन की कलियां इस तरह से कूट कर इसमें ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें 8 से 10 फ्रेश करी पत्ते ऐड कर देंगे। सारे मसाले को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज इस तरह से चॉप करके ऐड करेंगे। प्याज ऐड करके इसे भी अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इसे 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। हींग सांभर में जरूर ऐड कर दे, इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। इसे भी आधा मिनट फ्राई कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर। इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड करेंगे। टमाटर को भी मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए साथ ही साथ मैं इसमें 1 टीस्पून सफेद नमक और 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर देती हूं और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को यहां पर तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। कढ़ाई को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। टमाटर को पकते हुए 4 मिनट हो चुके, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए टमाटर काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके, तो इसे हम एक बार दोबारा अच्छे से चला देंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून भरकर कैच का सांभर मसाला। अगर आप ज्यादा सांभर बना रहे तो आप उसके हिसाब से ऐड कर दें। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा सांभर नहीं बना रही हूँ, उसके लिए 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें ऐड किया है। आधी टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और 1 कप पानी मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर फ्रेंड आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से एक बार सांभर बना लेंगे तो आप इसी तरह से हमेशा बनाना पसंद करेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करेंगे और मसालों में तेल छूटने तक पकाएंगे। दूसरी तरफ सारी सब्जियों और दाल अच्छे से पक चुकी, तो इस तरह से इसे हम मसल कर तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ ये हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसे एक बार हम अच्छे से चलाएंगे और इसी तरह बिना ढक्कन लगाए इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट और पका लेंगे। मसालों को अच्छे से फ्राई करके तैयार कर लेना। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब इसमें पकी हुई सारी सब्जियां और दाल इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सांभर को अभी अच्छे से पकाना है, तो इसमें पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर दे, जितना आपको गाढ़ा या पतला चाहिए। पानी ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस इंस्टेंट मिक्स मसाले से टेस्टी सांभर बना सकते हैं। बस इसे आप मेरे इस बताए हुए तरीके से बनाएं, एकदम होटल स्टाइल ये टेस्टी सांभर बनकर तैयार होगा। इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पका लिया है। सांभर में खट्टा मीठा फ्लेवर लाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 25 ग्राम गुड़ और इसे भी सांभर में अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये सांभर बनने वाला है। 4 मिनट हो चुके, अब इसमें आधा कप इमली का पल्प भी ऐड कर देंगे। इससे जो सांभर का टेस्ट है बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। खट्टे मीठे फ्लेवर का ये टेस्टी सांभर बनकर तैयार होगा। तो इमली के पल्प को आपको लास्ट में ऐड करना है। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, बहुत ही कम टाइम पर ये टेस्टी कैच मसालों से सांभर बनकर तैयार है। अब इससे ज्यादा इसे यहाँ नहीं पकाएंगे। ना तो ये सांभर बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना पतला, तो इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम होटल स्टाइल में टेस्टी चटपटा ये सांभर बनकर तैयार है। आप इसे इडली, डोसा, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये
सांभर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।